किंग प्रॉपर्टी पर सवाल हम लोग ले रहे थे, और किंग प्रॉपर्टी के सवालों पर मैंने आपको क्वाड्रेटिक के बारे में एक बहुत विशेष बात बताई। क्या बात बताई? अगर लिमिट्स का मिडिल पॉइंट वही हो जाए जो कि क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स है, तो किंग लगाने पर क्वाड्रेटिक चेंज नहीं करेगी। कल इस पर एक क्वेश्चन लिया था, आइए इस पर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लें और आप देखें कि आईआईटी ने इस छोटी सी बात को कैसे यूज किया। आईआईटी के अंदर एक बहुत अच्छा सवाल आया था, आइए इस अच्छे सवाल को देखें। इंटीग्रेशन 0 से 2 डी एक्स होल अपॉन 17 + 8x - 4x² और यहाँ बगल में इसके था e की पावर में 6 × 1 - x + 1, इसका इंटीग्रेशन दिया था। जबरदस्त सवाल, दिखने में तो इतना भयानक लग रहा है कि हे भगवान पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अभी हम इसको करेंगे। अब ध्यान देखेंगे सब बच्चे, यहां पर वापस से सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इसका यही है कि आप देखिए कि आपके लिमिट्स का मिड पॉइंट कितना है, 0 और 2 का मिड पॉइंट कितना निकल के आएगा, 1, तो 1 आ गया। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स देखिए, अगर आप इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स देखें तो -b/2a, तो -8/1, यानी अगर मैं इसको आई मानूंगा और इसमें किंग लगाऊंगा तो एक्स को किससे रिप्लेस करूंगा, 2 - x से, लेकिन रिप्लेस करने के बावजूद ये क्वाड्रेटिक चेंज नहीं होगी, द क्वाड्रेटिक विल रिमेन सेम। यहां पर एक्स की जगह 2 - x रखेंगे तो 1 - 2 + x, तो -1 + x, तो e^-6 1 - x + 1। किंग लगाने पर ये चीज ऐसी बन जाएगी। किंग लगाया, किंग लगाने के लिए क्या किया, जहां जहां एक्स था वहां एक्स की जगह हमने रख दिया 2 - x। किंग प्रॉपर्टी यही कहती है एक्स को रिप्लेस कीजिए a + b - x से, तो हमने रिप्लेस कर दिया भाई इससे। जैसे हमने रिप्लेस कर दिया, अब यहां काम की बात जो समझनी है वो ये है कि a + b - x से रिप्लेस करने के बाद ये बन गया हमारे पास और क्वाड्रेटिक चेंज नहीं हुई। तो ये नेगेटिव पावर तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है, तो नेगेटिव पावर को ठीक कर लें, e^(6 1 - x)^(17 + 8x - 4x²) और यहां पर e^(6 × 1 - x + 1) निकल के आ जाएगा। अब जोड़ दीजिए i(2i)∫0 से 2, देखो जैसे ही जोड़ेंगे e^ वाला हिस्सा कट जाएगा और ये केवल बचेगा dx/17 + 8x - 4x², जो कि 1/क्वाड्रेटिक है, जो कि आप बड़े आराम से कर लेंगे। सोचो अगर यही किंग प्रॉपर्टी नहीं होती, सोचो अगर इसी क्वेश्चन को हमको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में करना होता तो घणों आंसू आ जाते, लेकिन फिर भी सवाल नहीं होता। आइए एक और क्वेश्चन देखें, किंग प्रॉपर्टी का बहुत जबरदस्त यूज है। अक्सर आपको क्वेश्चन के अंदर एक और ऑब्जर्वेशन बताता हूं, एक तो जनरल भैया सबसे पहली बात बच्चे इसके सोचते सर किंग प्रॉपर्टी कहां लगा सकते हैं। किंग प्रॉपर्टी पर खुद पर कोई कंडीशन या कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में किंग एड करिए। आमतौर पर किंग लगाने के बाद उसको ओरिजिनल फंक्शन से ऐड कर देते हैं, 99.99% किंग एंड ऐड ही काम करता है। किंग प्रॉपर्टी पर कोई कंडीशन कोई शर्त नहीं है, तो लगा तो किसी में भी सकते हैं। बस सवाल ये उठता है कि सर किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद फायदा होगा कि नहीं होगा, यानी किंग एंड ऐड करने से कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा कि नहीं होगा, तो ये तो करके ही देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई बात ऑब्जर्व नहीं की जा सकती यार, किंग लगाने पर फायदा होगा कि नहीं होगा। आइए एक दो बातें और मैं बताऊं, जैसे क्वाड्रेटिक की बात मैंने बताई कि अगर क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स और आपके लिमिट्स का मिड पॉइंट कोइंसाइड कर जाए तो किंग लगाने पर वह क्वाड्रेटिक चेंज नहीं होती। वैसा ही एक और ऑब्जर्वेशन ध्यान देखिए, अब इन क्वेश्चन पर देखिए 0 से π/2 x sin x × cos x / sin^(4x + cos^(4x) dx। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर बाकी सब कुछ ठीक हो लेकिन एक एक्स अलग से दिख रहा हो, जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखें तो बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन एक्स भाई साहब अलग से ही पड़ा हुआ है, तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो जाए कि एक एक्स अलग से दिख रहा हो तो किंग लगाने से, किंग एंड ऐड करने से वो एक्स से मुक्ति मिल सकती है। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर बचा हुआ फंक्शन एक की तरह हो लेकिन वहां पर एक एक्स मल्टीप्लीकेशन में हो, बचा हुआ फंक्शन एक की तरह हो लेकिन वहां पर एक एक्स मल्टीप्लीकेशन में हो,
तो आपको किंग एन ऐड करने से उस एक्स फर्जी एक्स से मुक्ति मिल सकती है। जैसे वापस से इसको आई कह देंगे और इसमें किंग लगा देंगे। एक्स अगर अलग से मल्टीप्लिकेशन में है तो किंग लगाने की बात मन में आनी चाहिए, तो आई आ जाएगा। जब आप किंग लगाएंगे तो देखिए एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से, तो एक्स किससे रिप्लेस होगा, पाई बाई टू माइनस एक्स से। तो यहां पर यह चीज आ जाएगी पाई बाई टू माइनस एक्स। और देखो आप ध्यान से देखेंगे तो बाकी कहीं कुछ भी चेंज होगा ही नहीं, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, सारा एज इट इज आ जाएगा। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए तो आई आई टू आई निकल के आ गया, एक्स और पाई बाई टू माइनस एक्स सिर्फ पाई बाई टू आ गया, और ये आ जाएगा जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऊपर साइन की पावर फोर एक्स कॉस की पावर फोर एक्स। इसको इंटीग्रेट करना हमारे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन दाएं हाथ से करें क्योंकि हम दाएं हाथ से लिखते हैं। ऊपर नीचे कॉस की पावर फोर एक्स से डिवाइड कर दें। जैसे आप ऊपर नीचे कॉस की पावर फोर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो एक कॉस एक्स कट जाएगा। यहां टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और यहां पर टेन की पावर फोर एक्स प्लस वन। इस पर्टिकुलर के अंदर हिंट दे देता हूं, टेन स्क्वायर एक्स को टी एंड गेट। कॉपी करिए फटाफट, ये और सवाल लगाएं, इन सवालों पर बिल्कुल ध्यान देंगे, सवालों पर ध्यान देना है। हाँ तो ये क्वेश्चन कर लिया, आइए और क्वेश्चन करें, कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल। एक और ऐसा ही सवाल जो अभी मैंने आपको थॉट बताया एक्स वाला थॉट, उसी पर बेस्ड एक और सवाल को देखें। इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय फोर एक्स डीएक्स और होल अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स प्लस साइन टू एक्स डीएक्स। वापिस से दिख रहा है कि पूरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन एक एक्स ऊपर वो बैठे बैठे खुश हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें किंग लगाएंगे। जब आप इसके अंदर किंग लगाएंगे जीरो से पाई बाय फोर तो ऊपर तो निकल के आएगा पाई बाय फोर माइनस एक्स। नीचे आप ध्यान से देखिए कि अल्टीमेटली दोनों बदलेगा लेकिन पूरा डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। आई और आई ये टू आई निकल के आ जाएगा और जोड़ेंगे तो पाई बाय फोर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय फोर डी एक्स होल अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स प्लस साइन टू एक्स। इसको इंटीग्रेट करने में कोई मेहनत नहीं करनी है, मैं बताता हूं कैसे इंटीग्रेट होगा। जीरो से पाई बाय फोर डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स बन जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स साइन टू एक्स बन जाएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स। ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे ऊपर यहां पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा और नीचे टू प्लस टू टेन एक्स बन जाएगा। अंधा बच्चा भी कहेगा डिनोमिनेटर को टी रख दो, न्यूमिनेटर डी एक्स डी टी बन जाएगा, तो केवल मैं डू कह दूंगा। आइए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी बात पर बेस्ड जो कि अपन लोग करेंगे। योग्य योग्य यस, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वन अपॉन 2007 की पावर एक्स प्लस वन और ये पूरा मल्टीप्लाइड है साइन ऑफ 2008x अपॉन साइन ऑफ 2008x प्लस कॉस ऑफ 2008x डीएक्स। ढंग से लिख देते हैं, मतलब क्वेश्चन दिखने में कितना भयानक है, और आप अंदाजा लगाइए कि अगर यही क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में होता तो शायद हम तो क्वेश्चन करने की सोचते भी नहीं, उसको छोड़ ही देते। लेकिन चलिए यहां पर हिम्मत करेंगे। आई यहां अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम जीरो है तो किंग लगा दीजिए। अब की बार जब आप किंग लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स रिप्लेस होगा माइनस एक्स से, एक्स की जगह माइनस एक्स डलेगा। देखिए यहां पर ये बन जाएगा 2007 की पावर माइनस एक्स प्लस वन। बाकी देखो यहां कोई चेंज आएगा ही नहीं क्योंकि सबकी इवन पावर है, तो एक्स की जगह अगर आप माइनस एक्स रख भी देते हैं तो कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू 2007 की पावर एक्स होल अपॉन 2007 की पावर एक्स प्लस वन और यहां पर आ जाएगा साइन 2008x
होल अपॉन साइन 2008x प्लस कॉस 2008x डीएक्स। अब जोड़ दीजिए। अब आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ध्यान से कि ये वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। इनफैक्ट आपके पास केवल बचेगा, देखिए कैसे किंग एनेट की वजह से चीजें कितनी आसान हो गई। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको इसके अंदर इंटीग्रेट ही नहीं करना, ये किंग एनेट के एप्लीकेशन। अच्छा एक बात और, किंग एनेट कितनी बार लगा सकते हैं? कितनी बार भी लगा सकते हैं, किंग एनेट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। 10 बार लगाइए किंग एनेट, कुछ मैनुपुलेट करके किंग एनेट लगा सकते हैं, किंग एनेट लगा के फिर मैनुपुलेट करके फिर किंग एनेट लगा सकते हैं, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा अब अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा एक्चुअली इसका कट जाएगा और आपके पास ये चीज केवल निकल के आएगी साइन 2008x होल अपॉन साइन 2008x प्लस कॉस 2008x। अब यहां उई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, शुरू की जो 5 प्रॉपर्टी है उन पर बेस भारी भारी क्वेश्चन नहीं होते लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चनों के बीच में छोटे छोटे स्टेप्स में काम में आती है। हाँ उई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो 2y इज इक्वल टू 2 टाइम 0 से पाई बाई 2। अच्छा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 देखकर पहले ही शंका सी हो रही थी, शक सी हो रहा था यार उई प्रॉपर्टी लगेगी। खैर तो यहां पर आ गया साइन ऑफ 2008x होल अपॉन साइन ऑफ 2008x प्लस कॉस ऑफ 2008x dx। ये लीजिए अब हम यहां से 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, फिर से इसके अंदर किंग लगा दीजिए। जब किंग लगाएंगे तो आई की वैल्यू 0 से π/2। अब आप एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? π/2 - x से। तो ये बन जाएगा कॉस 2008x और यहां देखिए डिनोमिनेटर अल्टीमेटली सेम ही आता है dx होल अपॉन आई प्लस आई 2y इज इक्वल टू 0 से π/2 1 dx। इतना बड़ा क्वेश्चन किंग एन एड उई किंग एन एड और इंटीग्रेट ही नहीं करना पड़ा 1 dx। कॉपी करिए ये और सवाल देखें, सवालों पर विशेष ध्यान देना है, उन्हीं से मेन लर्निंग होनी है एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट। आइए एक और बहुत अच्छा सवाल मैं करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि सब लोग इस पर ध्यान दें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और एक गजब की मैनिपुलेशन और एक नया सब्स्टिट्यूशन जो कि आप लोगों ने इंडेफिनिट में नहीं देखा है क्योंकि इंडेफिनिट में होता भी नहीं है। हमको निकालना था इंटीग्रेशन 0 से ∞ lnx dx होल अपॉन ax² + bx + a। ये हम निकालना चाहते हैं 0 से ∞ lnx dx। चलिए देखिए कैसे करेंगे। एक विशेष सब्स्टिट्यूशन आपको बताने जा रहा हूं और इस सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग भविष्य में लेंगे। या विशेष सब्स्टिट्यूशन ये है कि लिमिट्स अगर एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो। अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट होती नहीं थी तो ये सब्स्टिट्यूशन बताया नहीं जा सकता। लिमिट्स अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, जैसे 0 और ∞ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो एक्स को 1/t रख के ऐड कर दो। क्या बोला मैंने? एक्स को 1/t रख के ऐड कर दो। ये 99.99 जगह है लिमिट के रेसिप्रोकल है, रख के ऐड कर दीजिए। आवाज कट रही है, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुके। हाँ अब आइए बात करते हैं। तो यहां लिमिट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कभी भी अगर लिमिट्स अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगी तो लिमिट्स अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो मेथड बिल्कुल सेट है, एक्स को 1/t रख के ऐड कर दो। ये सुनने बड़ा आसान से लगता है, करने में और भी आसान है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको मैं थोड़ी देर के लिए आई मान लेता हूं, एक्स को मैं 1/t रखूंगा तो dx आपके पास -1/t²dt बन जाएगा। अच्छा यहां पर एक चीज और ऑब्जर्व करें कि जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है वो आगे और पीछे से पढ़ने में कोफिशिएंट सेम है, ए बी ए ए बी ए। चलो अच्छा अब आई देखिए, नया आई क्या बनेगा, ln x dx की जगह ln 1/t बन जाएगा और dx की जगह -1/t²dt बन जाएगा और ये बन जाएगा a/t²+b/t+a। लिमिट्स जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो t इन्फिनिटी आ जाएगा और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे t 0 आ जाएगा। इस बाहर वाले माइनस साइन का इस्तेमाल मैं लिमिट को ठीक करने में करूंगा तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ln 1/t को -ln t लिख दूंगा और t स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा
ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए डी टी आ जाएगा। नाम आप दोनों को जोड़ना है लेकिन दो अलग अलग वेरिएबल को जोड़ नहीं सकते, तो नाम बदल दीजिए, तो टी का नामकरण एक्स कर दीजिए, तो ये चीज आ जाएगी माइनस टाइम्स जीरो से इंफिनिटी माइनस एल एन एक्स डी एक्स होल अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। उत्तरी, ये तो खुद का ही नेगेटिव आ गई, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो आप देखेंगे टू आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो। एक गजब का थॉट देखिए, कितना बढ़िया थॉट। ये यहां पर हमने इंटीग्रेशन को दिखा दिया, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा जीरो ही निकल के आने वाली है, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा जीरो ही निकल के आने वाली। आइए एक और क्वेश्चन करें, ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। ये देखिए इस क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे, फिर हम क्वीन प्रॉपर्टी पर आज बात करेंगे। यहां पर ये एल एन एक्स सारे के सारे इजी हैं। इंटीग्रेशन हाफ से टू एल एन एक्स होल अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी। वापिस से देखिए जरा ध्यान से, यहां पर क्या आपकी आंखें भी वही देख रही हैं जो मेरी आंखें देख रही हैं? लिमिट से एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, लोअर लिमिट हाफ है तो अपर लिमिट टू है, एल एन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। गजब की बात, जब भी लिमिट से एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिखाई पड़े तो एक्स को वन बाई टी रखना ही रखना है, मतलब ये स्टैंडर्ड थॉट की तरह हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको आई मान लेंगे और एक्स को चुपचाप वन बाई टी रख देंगे मेरे बच्चे, तो डी एक्स तुम्हारे पास माइनस वन बाई टी बन जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, एल एन वन बाई टी, और नीचे कितना आ जाएगा, वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा, और लिमिट टू से हाफ हो जाएगी। पिछली बार की तरह फिर से मैं क्या करूंगा भैया, इस माइनस साइन को तो लिमिट से एडजस्ट करने में काम लूंगा, तो हाफ से टू हो जाएगा। यहां से देखिए माइनस एल एन टी, ओ आंखें दोबारा चमकत हो रही हैं। टी को फिर से हम एक्स से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि नाम बदलने से शख्सियत नहीं बदल जाती। तो ये बन जाएगा माइनस एल एन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए ध्यान से, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव ही आ गए हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे टू आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो। अभी दो क्वेश्चन करे तो इससे ये कंक्लूजन मत निकाल लेना कि लिमिट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो आंसर जीरो, नहीं, ये मैंने दो क्वेश्चन करके बताए, कॉपी करिए। किंग प्रॉपर्टी देख लिए और किंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन भी कर लिए। अभी ऐसा नहीं कि किंग प्रॉपर्टी खत्म हो गई, अभी किंग प्रॉपर्टी फिर से आई मैं क्वीन के साथ। अब हम बात करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी सिक्स हो चुकी है, प्रॉपर्टी सेवन, और जैसा कि मैंने बोला प्रॉपर्टी सेवन का नाम हमने रखा है क्वीन प्रॉपर्टी। ये जो किंग क्वीन और जैक है ये हमने आपस में बात करने के लिए रखा है ना, ये कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है इनके, लेकिन नाम बहुत सही रखे गए हैं। जैसे किंग प्रॉपर्टी बोलती समझ जाएंगे अच्छा क्या करना है, क्वीन प्रॉपर्टी, वैसे बोलूं प्रॉपर्टी सिक्स लगाओ प्रॉपर्टी सेवन लगाओ, याद ही नहीं रहेगा क्या प्रॉपर्टी सिक्स प्रॉपर्टी सेवन। क्वीन प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुनना है जो मैं बोल रहा हूं, पहले सुनिए आप, फिर हम इसके प्रूफ पर आएंगे। क्वीन प्रॉपर्टी कहती है अगर लोअर लिमिट जीरो है, लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, अपर लिमिट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लोअर लिमिट जीरो होनी चाहिए। तो यहां पर मैं एरो लगा के लिख देता हूं, लोअर लिमिट मस्ट बी जीरो। अब सुनो, अगर लोअर लिमिट जीरो है और किंग लगाने पर फंक्शन नहीं बदलता, उत्तरी, दूसरी शर्त, पहली शर्त तो यह हो गई कि लोअर लिमिट जीरो है, और दूसरी शर्त हो गई किंग लगाने पर फंक्शन नहीं बदलता। अब बोलिए, बताइए, सोचिए, अगर आप किंग लगाएंगे तो क्या करेंगे, किंग लगाएंगे तो एक्स की जगह एक्स को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से, यानी एक्स को रिप्लेस करेंगे टू ए माइनस एक्स से, यानी एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। दो शर्तें हैं, दो ही शर्तें हैं, लोअर लिमिट जीरो होनी चाहिए और किंग लगाने पर फंक्शन नहीं बदलना चाहिए। देखो जब किंग लगाओगे तो एक्स एक्स एफ एक्स की जगह क्या आएगा, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स आएगा। जब किंग लगाओगे तो एफ एक्स की जगह क्या आएगा, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स आएगा। तो लोअर लिमिट जीरो होनी चाहिए और किंग लगाने पर फंक्शन नहीं बदलना चाहिए, लोअर लिमिट जीरो होनी चाहिए और किंग लगाने पर फंक्शन नहीं बदलना चाहिए। अगर लोअर लिमिट जीरो है और किंग लगाने पर फंक्शन नहीं बदल रहा
तो पूरे इंटीग्रल को डबल करके अपर लिमिट को आधा कर सकते हैं। यही है क्वीन प्रॉपर्टी। क्वीन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर लोअर लिमिट जीरो है और किंग लगाने पर फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर ही रहता है, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर ही रहता है, तो ऐसी स्थिति में पूरे इंटीग्रल को डबल करके अपर लिमिट को आधा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरे इंटीग्रल को डबल करके अपर लिमिट को आधा कर सकते हैं। एक बार फिर स्टेटमेंट दोहरा देता हूं, ये स्टेटमेंट ही काम का है, प्रूफ उतने काम का नहीं है। अगर लोअर लिमिट जीरो है और किंग लगाने पर फंक्शन नहीं बदलता, तो पूरे इंटीग्रेशन को डबल करके अपर लिमिट को आधा कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज क्वीन प्रॉपर्टी। तो क्वीन प्रॉपर्टी हम समझ गए। अब इसका प्रूफ, प्रूफ देने से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और कोई बात नहीं है। आइए इसका प्रूफ देख लीजिए। इंटीग्रेशन जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स गिवन है, इसको मैं लिख दूंगा जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये लीजिए, ये ए से टू ए एफ एक्स डी एक्स यही पड़ रहा है। इसके अंदर एक्स को सब्सटीट्यूट कर दें टू ए माइनस टी से, तो डी एक्स मेरे बच्चे माइनस डी टी बन जाएगा। पहले वाले को न छेड़े, छेड़ना बुरी बात। जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। अब यहां पर इसको देखो, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ टू ए माइनस टी आ जाएगा, डी एक्स की जगह माइनस डी टी आ जाएगा। तो यहीं पर ऐसे माइनस डी टी लिख लेते हैं इसको। लिमिट को देखें, जब एक्स की वैल्यू ए रखेंगे तो टी की वैल्यू भी ए आ जाएगी, जब एक्स की वैल्यू टू ए रखेंगे तो टी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इस माइनस साइन से एडजस्ट किया तो पहला वाला तो जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स ही था, दूसरा वाला बन गया जीरो से ए एफ ऑफ टू ए माइनस टी डी टी। लेकिन अभी अभी आपने बोला कि किंग लगाने पर फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहां पर चाहो तो टी को वापस वेरिएबल एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। टी को वेरिएबल एक्स से रिप्लेस कर दिया तो जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। और अभी अभी आपने मुझे बताया कि एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स ये एफ एक्स के ही बराबर है, तो आपको दिखाई पड़ेगा जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, जो कि बन जाएगा टू टाइम्स जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। सिंपल सा प्रूफ है, लोअर लिमिट जीरो ही होनी चाहिए और किंग लगाने पर फंक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। मुद्दे की बात जो मैंने बोली है वो ध्यान रखना है, लोअर लिमिट जीरो हो और किंग लगाने पर फंक्शन ना चेंज करे तो पूरे इंटीग्रल को डबल करके लिमिट्स को आधा कर दो। दोनों लिमिट्स को आधा कर दो, जीरो का आधा जीरो ही रहेगा और एक आधा ए टू ए का आधा ए हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। तो भाई क्वीन प्रॉपर्टी की बेसिक बात समझ गए। आगे बढ़ने के पहले फिर भी एक बार दोहरा देता हूं, लोअर लिमिट जीरो हो और किंग लगाने पर फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए, क्वीन प्रॉपर्टी का गजब का यूज है, मतलब किंग और क्वीन प्रॉपर्टी को अगर हम मिक्स करके यूज करते हैं ना, एक से एक सवाल बनते हैं। आइए कुछ छोटे छोटे चुटकुलों से शुरुआत करूंगा और मैं जो समझाऊंगा उस पर आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आइए एक छोटे से क्वेश्चन से करते हैं। मान लीजिए कोई हमसे बोले इंटीग्रेशन जीरो से टू पाए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए, फायदा देखिए, ध्यान देखिए, अगर आप इसके अंदर किंग लगाएंगे, लोअर लिमिट तो जीरो है, और देखो किंग लगाने पर ये फंक्शन चेंज नहीं करेगा। मान लो इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो इसके अंदर एक बार क्वीन लगाएंगे तो टू टाइम जीरो से पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए अभी भी किंग लगाने पर फंक्शन चेंज नहीं करेगा, फिर क्वीन लगा दीजिए तो फोर टाइम जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अरे वाह, लेकिन अब की बार जब आप किंग लगाएंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा और हम उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। जोड़ दीजिए, आई आई टू आई इज इक्वल टू फोर टाइम्स जीरो से पाई बाई टू अंडे। अब मेरी बात सुनो, या तो किंग लगाने पर फंक्शन चेंज होगा या किंग लगाने पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, दो ही बातें होंगी। या तो किंग लगाने पर फंक्शन चेंज होगा या किंग लगाने पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, और तो कुछ भी नहीं होने वाला। आइदर किंग लगाने पर फंक्शन चेंज
और आइदर किंग लगाने पर फंक्शन नॉट चेंज, और कुछ नहीं होगा। अगर किंग लगाने पर फंक्शन चेंज हो गया, अगर किंग लगाने पर फंक्शन चेंज हो गया तो किंग एन ऐड कर दो, और अगर किंग लगाने पर फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो क्वीन। तो यानी हमारे पास हर हालत में हथियार है, आप तो किंग लगाइए, या तो फंक्शन बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदल गया तो किंग एन ऐड, नहीं बदला तो क्वीन। आइए एक दो और क्वेश्चन करें और बातों को समझें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को याद रखना, इस क्वेश्चन का रिजल्ट याद रखना है। इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू एल एन साइन एक्स डीएक्स, इसका रिजल्ट टू बी रिमेंबर्ड है, इसका रिजल्ट याद रखना है, यह एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका रिजल्ट आपको बहुत सारी जगह काम में आ जाएगा, बहुत सारी जगह। इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू एल एन साइन एक्स डीएक्स, इसको थोड़ी देर के लिए आई मान लेते हैं, किंग लगाते हैं। जैसे ही किंग लगाएंगे तो ये बन जाएगा जीरो से पाई बाई टू एल एन कॉस एक्स डीएक्स, जोड़ दीजिए दोनों को, आई आई टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू एल एन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चीज टू आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू एल एन साइन टू एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू एल एन टू डीएक्स। ये देखिए ये निकल गया। थोड़ी देर के लिए ये जो नया इंटीग्रेशन बना इसको आई वन कह देता हूं। आई वन को हम यहां अलग से जरा इवेलुएट कर लेते हैं, नए इंटीग्रेशन को आई वन कह दिया गया है, जरा आई वन को अलग से इवेलुएट करते हैं। आई वन हमारे पास आ गया जीरो से पाई बाई टू एल एन साइन टू एक्स डीएक्स। मन में इच्छा से उमड़ रही है टू एक्स को टी रख दे तो टू डीएक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन एल एन साइन टी डी टी बाई टू, यहां पर डी टी बाई टू आएगा, तो हाफ को बाहर निकाल लें। अच्छा टू एक्स टी है तो ये जीरो हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा, है ना। अच्छा देखिए अब किंग लगाने पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके अंदर एक बार क्वीन लगेगी और ये चीज आ जाएगी इंटी, क्वीन लगेगी तो क्या होगा, पूरे इंटीग्रल को डबल करके लिमिट को आधा कर देंगे तो पाई से पाई बाई टू हो जाएगा एल एन साइन टी डी टी। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, तो टी को एक्स रख देंगे तो इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू एल एन साइन एक्स डे। ओ तेरी, क्या देख लिया सुबह सुबह आंखों ने कि आई वन और कुछ नहीं आई ही है, तो ये दिखाई पड़ेगा टू आई इज इक्वल टू आई, इसका इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू एल एन टू, आई से आई काट दीजिए, कटना तय था। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो आई की वैल्यू निकल के आ गई माइनस पाई बाई टू एल एन टू। ये बिल्कुल याद रख, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वीन का यूज आता है, और रटा हुआ होना चाहिए जीरो से पाई बाई टू एल एन साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू एल एन टू। कॉपी करिए, यहां तक गाड़ी पहुंची। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है। आइए अब आपको किंग क्वीन के ऐसे पैंतरे सिखाएंगे कि आप मतलब देखेंगे कि अब जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, अगर उनमें से एक भी क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आ जाए, किस में आ जाए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, समझ लीजिए उसको करा ही नहीं जा सकता, कर ही नहीं पाएंगे आप। आओ छोटे खेल खेलते हैं, पहले सब बच्चे ध्यान देखेंगे, क्वीन क्वीन पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे सवाल। एक और बहुत बेहतरीन सवाल जो कि मैं लेने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन जीरो से पाई एक्स इंटू साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स। यह आ गया जीरो से पाई एक्स इंटू साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स। ये लीजिए, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको आई मान लेते हैं। अब इसके अंदर अभी आप ध्यान से देखिए कि अभी अगर हाथों हाथ किंग लगाएं तो फर्क पड़ेगा। तो अच्छा एक और चीज, अभी अभी किंग के वक्त मैंने समझाया था कि मतलब यार बाकी सब तो ठीक है, बाहर ही एक्स पड़ा हुआ है अलग से, दुख दे रहा है हमको, तो आओ दुख से सुख हासिल करें, किंग लगा देंगे तो देखिए कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एक्स की जगह पाई माइनस एक्स आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, जोड़ दीजिए आई आई टू आई, तो ये बन जाएगा जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स तो पाई आ गया बाहर,
और यहां पर आ गया साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स। अब इसके अंदर क्वीन लग जाएगी क्योंकि किंग लगाने पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो 2y इज इक्वल टू 2 पाई 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स। वाह 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 वाह, काट दीजिए तो 2 से 2 कट गया, कटना तय था। अच्छा अब इसके अंदर फिर से किंग लगाइए, देखो किंग एन एड क्वीन, फिर से किंग एन एड, तो किंग लगाएंगे तो पाई 0 से पाई बाई 2 ये बनेगा साइन स्क्वायर कॉस एक्स कॉस स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स। जोड़ दीजिए आई आई 2 आई, पाई बाहर पड़ा है। अब देखिए साइन स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स 1, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर कॉस स्क्वायर साइन एक्स प्लस 1 डीएक्स। लीजिए आंसर, कितना बढ़िया क्वेश्चन है देखिए, और किंग और क्वीन का कॉम्बिनेशन को आप एंजॉय करिए, मतलब इंटीग्रेट ही नहीं करना पड़ा। इस पार्ट का नाम तो रख देना चाहिए हाउ टू इंटीग्रेट विदाउट इंटीग्रेटिंग। क्या रखना चाहिए पार्ट का नाम? हाउ टू इंटीग्रेट विदाउट इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेशन का तो यूज ही नहीं है, सीधे प्रॉपर्टी। और कमाल की बात है जो फंक्शन है इतना वाहियात है कि अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करो इंटीग्रेट ही ना हो। किंग एन एड क्वीन, किंग एन एड चुन्नू। ये देखिए आइए एक और क्वेश्चन करके बताएं। देखिए इन क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से, चुटकुले हैं लेकिन हंसी नहीं आती है इन पर। एक और क्वेश्चन ऐसे ही है, इसको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन 0 से पाई x इंटू साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अरे x यार अल्फा बन जाता है ये, मतलब सवेरे सवेरे। चलिए वापस से कुछ कुछ विचार तुम्हारे मन में आ चुके हैं कि गुरुजी x बाहर पड़ा हुआ है, पहले तो इससे मुक्ति पाइए, किंग लगाइए। तो ये लीजिए तो आ जाएगा पाई माइनस एक्स। देखिए ध्यान से और कहीं कुछ भी चेंज नहीं होगा, कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। जोड़ दीजिए आई आई 2 आई, ये आ जाएगा पाई 0 से पाई, यहां आ जाएगा साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, गड़बड़ भैया, इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब किंग लगाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्वीन वाह वाह 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये लीजिए आ गया। अब इसके अंदर 2 से 2 कटना तय था, काट दीजिए, कट गया। कटने के बाद ध्यान से देखिए फिर से इसके अंदर किंग लगाएंगे तो i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। जोड़िए आई आई 2 आई, पाई तो बाहर पड़ा हुआ है, अरे रे रे फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओहो गुरु जी साइन 1 डी एक्स। रियल में इस पार्ट का नाम होना चाहिए हाउ टू इंटीग्रेट विदाउट इंटीग्रेटिंग। कॉपी करिए।